अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप लोगों के। सॉरी सबसे पहले तो कि आप लोगों को सैटरडे की क्लास नहीं मिल सकी और आज आप लोगों को जो है वो सैटरडे की क्लास मिल रही है और आज ही आपको जो है वो संडे सॉरी आज की यानी थर्सडे की क्लास मिल जाएगी, ट्यूसडे की सॉरी क्लास मिल जाएगी 7 अप्रैल की। तो ये दोनों क्लासेस आज आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आज हमारे पास क्या टॉपिक है, आज हमारे पास इफ़ेक्ट है, ठीक है। इफ़ेक्ट हम देखते हैं, मैंने लास्ट क्लास के अंदर कुछ कैमरे के और कैमरा व्यू और इस तरह के इफ़ेक्ट कराए थे। आज एक क्रॉप का छोटा सा इफ़ेक्ट है लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, वो देखते हैं। छोटा सा क्यों है, ये है तो वो एक सिंपल सा एक ही इफ़ेक्ट है लेकिन आपने बहुत सारी जगह पर उसको यूज़ होते हुए देखा होगा, बहुत सारी पिक्चर्स में वीडियोज़ में देखा होगा कि एक ही जगह पर वीडियो एक ही स्क्रीन के अंदर बहुत सारी वीडियोज़ आ रही होती हैं। लाइक राइट साइड पे जो है वो कुछ लड़का है और राइट लेफ्ट साइड पे जो है एक लड़की है। वी डोंट टॉक एनी मोर, अगर आपने ऑडियो इस तरह का कभी वीडियो देखा होगा तो वो ज़रूर देखिएगा। वी डोंट टॉक एनी मोर, उसके अंदर जो है वो इस तरह का पार्टीशन बना के जो है वो दिखाया है। तो मैं लिंक भी शेयर करूँगा उसका ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरह से क्या काम कर रहा है, क्या किस तरह से काम किया उन्होंने और किस तरह से जो है उस वीडियो के अंदर क्रॉप किया है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनके अंदर क्रॉपिंग की गई है, ठीक है। तो वो क्रॉप का काम हम करेंगे। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ओके किया, कोई भी सीक्वेंस ले लें, मैंने उसको अपनी वीडियो के हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। मेरे पास वीडियो है, दो वीडियोस हैं, मैंने इनको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया प्रोजेक्ट पैनल के अंदर और ये मेरे पास आ गई। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने एक को यहाँ रखा और चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स, मैंने कहा चेंज सीक्वेंस सेटिंग क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है कि जो वीडियो मेरी जिस पे बनी हुई होगी ना, लाइक 1920x1080 के ऊपर ही वीडियो बनी हुई है, ये एग्जैक्टली वही साइज रख देगा, ठीक है। ये देखो, ये एडजस्ट किया उसने, ये वीडियो आ गई मेरी, ठीक। अब जो भी मैं रखूँगा वीडियो वो डेफिनेटली इसी के ऊपर होगी, इसी तरह से होगी। मैंने कहा ये कौन सी वाली है, ये वाली। ऑडियो दोनों के मैंने इरेज कर दिए और इसको सेलेक्ट करके यहाँ रख दिया। ये मेरे पास ऑलमोस्ट 8 सेकंड की होगी, हाँ, और ये मेरे पास 10 या 11 सेकंड की होगी, 10 सेकंड्स की वीडियो है, ठीक है। अभी जो मेरे पास शो हो रही है इस वक्त, करंटली मेरे पास जो शो हो रही है वीडियो, वो वीडियो 2 की शो हो रही है, यानी जो मेरे पास टॉप पे होगी डेफिनेटली वो शो करेगी। क्यों, जिस तरह से फोटोशॉप के अंदर हमारे पास लेयर्स काम करती हैं, यानी जो टॉप पे लेयर होगी वो डेफिनेटली आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इस वक्त टॉप पे मेरे पास वीडियो 2 है तो मुझे वो दिखाई दे रही है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में कि मेरी लेयर पहले कौन सी दिख रही है और कौन सी नहीं दिख रही। तो ये मेरे पास इस वक्त वीडियो 2 दिख रही है, वीडियो 1 इसके पीछे है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। टाइम इंडिकेटर है आपके पास, ये इंडिकेटर आपको दिखा रहा है पीछे वीडियो है, इसको लगाने के बाद ये दिखा रहा है कि यहाँ पर वीडियो। अच्छा, मैंने क्या काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने इफ़ेक्ट में गया, अगर किसी को इफ़ेक्ट नहीं मिलते तो विंडो के अंदर इफ़ेक्ट का ऑप्शन है, इफ़ेक्ट ओपन करेंगे, इफ़ेक्ट के अंदर आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके हमने ये तो सारे कर लिए थे, क्रॉप नहीं किया था, ठीक है। क्रॉप मैंने बाद में के लिए रखा हुआ था कि मैंने कहा बाद में कराऊँगा, तो डेफिनेटली अब हम आज क्रॉप टूल कर रहे हैं। ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसको हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे पकड़ा क्रॉप टूल, यहाँ पे ड्रैग कर दिया, वीडियो 2 के अंदर मैंने ड्रैग किया इस क्रॉप टूल को, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया कि वीडियो 2 के अंदर मैंने इसको ड्रैग कर दिया क्रॉप टूल को, सॉरी। अच्छा, अब मेरे पास क्या चीज़ आई, अब मेरे पास ये चीज़ आई कि मैंने यहाँ पे जब देखा कि मेरे पास वीडियो 2 के अंदर ये क्रॉप आ गया है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ये इफ़ेक्ट कंट्रोल में है, ये इफ़ेक्ट कंट्रोल कहाँ से आ रहा है, विंडो के अंदर इफ़ेक्ट कंट्रोल्स, इफ़ेक्ट अलग चीज़ है, इफ़ेक्ट कंट्रोल्स आपके पास एक अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझ आया। अच्छा, हमने क्या किया, इफ़ेक्ट कंट्रोल को हमने देखा, हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम ये सारे मुझे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक। मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे ये काम किया, मैंने कहा मैंने यहाँ से लेफ़्ट को मैनुअली माउस का लेफ़्ट क्लिक किया और यहाँ से इसको कट किया, देखो मेरी वीडियो कट रही है, रुक गई यहाँ पे आके 76%। मैंने कहा नहीं, एक काम करो 50 कट, 50 हो गई,
50 वीडियो ये दिख रही है, 50% ये दिख रही है। मैंने कहा दिखाओ ज़रा क्या काम हो रहा है, मैंने कहा थोड़ा सा करीब कर लो ताकि रेंडर जल्दी हो जाए। ये मैंने रेंडर पे लगाया, ठीक। जब तक ये रेंडर हो रहा है तो मैं बताऊं कि देखो ये हो क्या रहा है, ये 50% वीडियो कट कर रहा है, ठीक है, क्रॉप टूल से, और कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। 50% वीडियो कट हो रही है क्रॉप टूल से, और ये मैंने लेफ़्ट साइड से करा, यानी ये लेफ़्ट साइड से ड्रैग होता हुआ इधर की राइट की तरफ आ गया। अब देखो दोनों वीडियो आपकी चल रही है, ठीक है, ये वीडियो चल रही है, ये जो अगर स्क्रीन के साथ इशू आ रहा है आपके साथ और आपको दिख रहा है स्क्रीन पे इशू, ये कट नहीं रही है। एक्चुअली मेरे पास रैम कम है, ठीक है, तो जिस वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। वरना अगर ये देखोगे वीडियो बिल्कुल परफेक्ट कट रही है, ठीक है, क्योंकि कोई ऑप्शन एक्टिव ही नहीं है। जब मैंने कट भी की थी तो आपको ये पूरी दिख रही थी, तो ये रैम का इशू है, ऐसा जी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वीडियो नहीं कट रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा सेलेक्ट कर दूँ, ये देखो सिलेक्शन में पूरी वीडियो आ रही है, वीडियो नहीं कट रही, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अगर मैं टॉप से दिखाऊं, ये देखो अब जैसे ही थोड़ा सा मैंने दूसरा टूल यूज़ किया तो ये क्रॉप हुई भी, ये दिखा रही है, ये जब रेंडर हो रहा है तो ये इशू दे रहा है, अदरवाइज ये ऐसा नहीं होगा। तो मैंने राइट से भी काट दी, ठीक। अब देखो जब मैं रेंडर करूँगा ना तो ये एरर देगा, अदरवाइज ये मेरे रैम का इशू है और कोई इशू नहीं है। ये मैंने थोड़ा सा एक पीस कट कर दिया, ठीक है, पीछे वाली पूरी वीडियो चल रही है। आप इसमें 10 वीडियो लगाएं, 15 लगाएं, 6 लगाएं, 5 लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अब ये प्ले हुआ, नीचे से ये काट रहा है, ठीक। आपकी वीडियो आपके सिस्टम पे नहीं कटेगी, ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। अच्छा, यहाँ पे अब क्या सिचुएशन है, अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि देखो ये मेरे पास यहाँ पे ये चल गया, मैंने कहा इसको अंडू कर लूँ एक स्टेप। क्या ये वीडियो कोई भी, मैं गाना चल रहा हूँ और ये कटे यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि हमने वीडियो के अंदर जो है वो यूज़ किया था, क्या कहते हैं उसको, जब मैंने वो बनाया था, क्या कहते हैं उसको, एंड क्रेडिट्स का, तो एंड क्रेडिट्स में उसने इस तरह से वीडियो कर दी थी। इसके तो स्केल हो रही है, स्केलिंग के साथ हमने जो ऑप्शन इसमें गए थे, ये ऑप्शन से प्ले किया था, तो डेफिनेटली ये हमारे पास एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एक अलग चीज़ है, ये वीडियो ही कट कर रही। मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगाया, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक ये 50% हो जाए, ठीक है। मैंने कहा एक रेंडर कर लूँ, जल्दी से रेंडर हो जाएगा मेरे पास, एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ज़ीरो खत्म। ये देखो ये आपके पास वीडियो कट गई, यहाँ से यहाँ तक ये एनिमेशन हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये एनिमेशन होने के बाद ये आपको दिख रही है आप, ठीक है, लेकिन आप एनिमेशन को देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही कट कर रहा है। ठीक है, ये मेरे पास एक हाफ, मैंने इसको क्रॉप कर दिया। अच्छा, मैंने कहा मैं इसको इफ़ेक्ट को की फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको बॉटम से कट कर सकते हैं, हाफ पिक्चर यहाँ की देखे, हाफ स्क्रीन वहाँ की देखे, ठीक। मैं ज़रा दिखाऊँ, मैनुअली कर रहा हूँ, रेंडर नहीं कर रहा, रेंडर करने में वो इशू कर रहा है, ये देखो इस तरह से आप बना सकते हैं। कट आप कहीं से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से भी राइट से करें लेफ्ट से करें, आप इतनी भी वीडियो बना सकते हैं। इधर एक पैनल पर रख दें, इधर दूसरी रख दें, कोई तीसरी रख दें, इधर एक अलग वीडियो चलने दें। मैं चाहता हूँ, मैं स्काई नहीं दिखाना चाहता, या मैं सिर्फ स्काई दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने बॉटम को हटा दिया, मैंने कट टॉप को कट कर दो, टॉप को कट कर दिया मैंने, इस तरह से लगा सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से भी कोई चीज़ इफेक्ट दिया बना सकते हैं, कैसे भी देख सकते हैं कि इस तरह का कोई लुक दे दे। मैंने कहा चलो एक बार रेंडर करके देखता हूँ क्या लुक आता है, ये पहले तो नीचे से काट रहा है, ये पूरी वीडियो काट देगा या नहीं ये देखते हैं।
थोड़ी सी कट कर दी, फिर बोलूँगा ये रैम का इशू है मेरे सिस्टम का, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपके पास बिल्कुल परफेक्ट चलेगी ये वीडियो। अच्छा अब हमने क्या काम किया, अब हमने ये काम किया, हमने कहा यहाँ से तो हम कट कर ही रहे, ठीक है कोई एक और वीडियो देखें कि कहाँ से आ सकती है। मैंने कहा एक और वीडियो निकाल, अच्छा मेरे पास वीडियो नहीं, मैंने अब पिक्चर निकाली, मैंने कहा पिक्चर पे काम करते हैं, पिक्चर का एक्चुअली साइज़ बहुत बड़ा है, मैं स्केल कर लेता हूँ उसको। अगर मैं क्रॉप टूल इसके अंदर लगाता हूँ, क्रॉप इफेक्ट, मैंने कहा इसकी पोजीशन चेंज करूँ, देखो पूरी वीडियो की पोजीशन चेंज हो रही है, क्लिप की नहीं हो रही, क्योंकि एनिमेशन मैंने वीडियो की दे रहा हूँ उसकी नहीं दे रहा, एक ही स्क्रीन के अंदर तीन वीडियो आ रही हैं। चलो मैं पोजीशन चेंज नहीं करूँ, बॉटम भी कट नहीं करूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा टॉप से गिरा दूँ, ये 50% कर दिया, 1 2 3 आपको तीनों की तीनों नज़र आ रही हैं। ये तीनों क्या चीज़ हैं, ये तीनों आपके पास डेफिनेटली सही से क्लियर दिख रही हैं, ठीक है। मैं एक बार रेंडर कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ ये तीनों ही वीडियो हमारे पास कट रही है। इन तीनों से क्या होगा, आप तीन तरह की वीडियो रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन याद रखिएगा तीनों वीडियो के अंदर कोई ऐसा सब्जेक्ट नज़र आ रहा हो जो हमें प्रॉपर कट करके अच्छा लग रहा हो, जिसके अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा हो, जैसे मेरे पास इस वक्त वीडियो के अंदर सिचुएशन आ रही है। अच्छा ये इसको कट कर रहा है, दिखा रहा है लेकिन ये नीचे से कट कर रहा है पिक्चर्स को भी और वीडियो को भी। खैर एनीवे, तो इसमें क्या समझ आया कि क्रॉप टूल हमें एक से ज़्यादा इमेजेस पे और सॉरी वीडियोस पे या इमेजेस पे यूज़ कर सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक अच्छा इफ़ेक्ट बन सकता है, हम थोड़ी सी वीडियोस के साथ काम करें तो ये डेफिनेटली हमारे पास एक अच्छा लुक देगा, ठीक है। ये क्रॉप टूल रह गया था ट्रांसफॉर्म के अंदर, नए टूल्स नए इफेक्ट के साथ मैं आपके पास नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलें अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। ज़ुबैर और मुझे फैसल का असाइनमेंट मिला है, हाँ देख कर अच्छा लगा, अच्छा गुड वर्क, ठीक है। फैसल थोड़ा सा टेक्स्ट ज़्यादा कट हो रहा है तो उसको थोड़ा सा फोकस करो स्पीड में, मतलब मैं पूरा रीड ही नहीं कर पा रहा हूँ तो वो टेक्स्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और भी लोग हैं, ठीक है और भी लोग हैं इस क्लास के अंदर, वो भी प्लीज़ अपना हिस्सा जो है वो डालें और अपनी क्लास की अटेंडेंस ज़रूर लगाएं, ठीक है। जैसे ये वीडियो मिल जाए सब अपनी प्रेजेंट लगाएं कि ये मिल गई है, ये मिल गई है, ये मिल गई है, तो इसको ख्याल रखें, अटेंडेंस प्रॉपर रखें अपनी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।